अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? मैं यूट्यूब फैमिली दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, जो बेऔलाद अल्लाह पाक उन्हें साहिब औलाद, जो कर्ज़दार अल्लाह पाक उन्हें कर्ज से निजात, जिसकी जो भी परेशानी अल्लाह पाक सब दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में खुशियाँ आई हैं, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है और अल्लाह पाक का करम है, फजल है हमारे घर पर, हमारी फैमिली पर। अल्लाह पाक करे हमारी ज़िंदगी में अब कोई तूफान है, खुशियाँ आए, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह आज देखें मौसम कितना खूबसूरत बना हुआ है। मैं और दुआ जा रहे हैं अम्मी अब्बू के पास और माशाल्लाह भी यहाँ पर चाय चल रही है, अम्मी भी चाय पी रही हैं, सब लोग चाय पी रहे हैं, हम लोग घर पी कर आए हैं चाय। और चाय कैसी बनी है अम्मा आज? अच्छी, बहुत अच्छी बनाती है। हाँ बहुत अच्छी फातिमा चाय बनाती है। अब वो आपको सही है शुगर? ठीक है। और आज है ना बाहर बादल बने हुए हैं, बारिश है, सितारा। आज चलना है बाहर गधा गाड़ी पर? आज मौसम भी गधा गाड़ी का बना हुआ है। क्या कह रही है आपसे? बिस्किट, बनाना, ऑरेंज, सेब, तो जी ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ले आए बिस्किट। ओके जी, आपके लिए बिस्किट ले आते हैं। पहनाए और यो ही हंसती मुस्कुराती हो सारी। आ गए आप भी गांव से? ये क्या लेके आई हो रुखसाना? मेरे लिए लेके आई हो? किस आपको किसने दिए? पापा ने आपको दिए? और आपने ये मुझे दिए? आपको नहीं पसंद? मुझे पसंद है पर पापा ने कहा मम्मा को दे। मम्मा को देना? अच्छा चलो अब आगे चलो खाना खा लेते हैं, जाओ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ना आज फ्रेश घास भी लाए। और ये देखे ये हमारे यहाँ साग भी है इस तरह का ना, ये देखे एकदम ताज़ा फ्रेश जो है ना, ये देखे साग, ये देखे साग एकदम ताज़ा फ्रेश। अक्सर जो है ना हमारे हमसाए हम घास लेके आए ना तो वो आते हैं यहाँ से साग तोड़ के ले जाते हैं, फिर अच्छी तरह धो के ना फ्रेश जो है बनाते हैं, बहुत मज़े का बनता है। आंटी आई अम्मी से मिलने, इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो इवें दे ही अपनी दोस्ती रहे वैसे इंशाल्लाह। ठीक है, अम्मी क्या कह रही है सितारा? आज ये तुम्हें छोड़ देना, मैं क्या कह रहा हूं? आप जाएंगी वापस अम्मी? हैं आप वापस जाएंगी सऊदी? नहीं जाएंगे, रमजान में जाएंगे, कभी उम्रे पे जाएंगे। दो दाल यार दीदी दे दे जल्दी। अबू जन अभी जा रहे हैं हमारे रिश्तेदारों के यहाँ, गाड़ी मंगवाई है वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे फोतकियाँ हो गई हैं मिलने। यानी हमारे यहाँ होता है कि जब कोई आता है पहले वहाँ जाते हैं, तो अबू आज जा रहे हैं मेरे कज़न के सजाद के साथ, अम्मी भी जा रही हैं साथ। हम लोग अभी आए हैं चालिस्तानी बहनों के घर और ये बना रही हैं चाय, और मैं लेके आई हूँ सितारा को इनके घर, क्योंकि कल आई थी और बुला भी रही थी कि आप इन्हें ले आओ हमारे घर। ये क्या कमीज है? ये लो पहले। और हमारे लिए जो है ना मजेदार चाय भी बन के आ गई, जो हम इतना देर मेहनत करके धूप में बैठ के, तो ये रही वो मजेदार चाय। यहाँ पर साथ में इतने सारे भाभी कपड़े निकाल के रख दिए हैं, आपको जो पहनूंगी? नहीं नहीं, जो आपको अच्छे लगे आप वो लेना। छोटी बच्चियों के भी निकाल के रख दिए हैं, वो शायद कह रही कि आयत भी पहने। अच्छा, ये आयत के हिसाब से ये छोटे आयत से भी बड़े हैं, बल्कि ये आएंगे तो कई बार को ही आएंगे। इनके हम बड़े बड़े पहनाते हैं ना। ये इसके हैं कपड़े, ये छोटी के। हाँ इसके सैमा के हैं भाई।
और भी सैमा जो मैं चाय डाल कर दे रही हूँ। हाँ सैमा कह कु बिचा बोला पा बीपा बीपा उन्हें की पवे दे तू ना छानी देखी मरे दी सितारा वजन तो नहीं बहुत अच्छा। देखो मैंने आपको कितना सारा गिफ्ट लेके दिया अभी, ठीक है ना। अब जहाँ भी जाना है ऐसे गठड़ियाँ बांध के ना सर पे वैसे अच्छा लग रहा है ना। अच्छा इतना टाइम बाद हम बचपन में उठाते थे, पता है क्या बचपन में कब उठाते थे भाभी, जब कपास चुनते थे कपास तो इतनी इतनी छोटी छोटी गठड़ियां बना के ना, तो उसमें इतनी इतनी कपास ले आते थे वो चीज के लिए, चीज के लिए। हाँ तो खुशी होती थी तो ऐसे सर पे उठा के ले आते थे। सही चले। हाँ आज मैंने ना जंप लगा लिया था, अब मैंने इतना वजनी सामान जो भाभी अच्छा मैंने बैलेंस बनाया। हाँ ठीक है ठीक है। अभी पता है कौन आ रही है, धुएं मारती हुई ईमान आ रही है। क्या करी ईमान बड़ा मंडे तो यो के थन नहीं पड़े ना आ जाओ अंदर चलो भाई हम थकी तो नहीं नहीं चलो आज कहां चले जाना है दुआने कहां जाना है दुआने कहाँ जाना है किसके घर चले और दुआ करिए चले अब्बू के घर चले अम्मा के घर चले कहाँ जाना है फूफो घर जाना है चिकन चाहिए और यहाँ पर जो है मेरी अम्मी खाना खा रही है यहाँ पर बिरयानी और दुआ भी है आयत हो गई आयत भी खा रही है और यहाँ पर मेरी फूफो है हम सब यहाँ पर मिल के ना खाना खा रहे हैं बिरयानी वैसे मेरे पापा ने बहुत मजे की बनाई है। कैसी आयत गुड कह रही है गुड पसंद है। दुआ को कैसी लगी सितारा? मुझे बहुत पसंद है ये बहुत मजे की लगी है मिर्ची लगी हुई है हाँ इसका कलर भी देखिए इतना ज्यादा लाल हुआ है ना जितनी मेहनत से बनाई बनती भी अच्छी है और बनाता भी अच्छा है। इसने ना दही डाली हुई है क्योंकि चटनी में भी ज्यादा मिर्ची है। उकसाना बताओ बिरयानी कैसी बनी हुई है? बहुत अच्छी है माशाल्लाह बहुत अच्छी है जी। मिर्ची है? नहीं नहीं है तुम्हारे मुंह से भी लग रहा है कि लाल लाल मुंह हुआ है पूरा पूरा तुम्हारा। सुनाओ मुस्तफा चिकन सॉरी बिरयानी कैसी बनी है? अली आप सुनाओ कैसी बनी है बिरयानी? बहुत अच्छी। तैयबा आप सुनाओ मिर्ची और मुस्तफा की जाना फेवरेट है बिरयानी आज कैसी बनी है मुस्तफा पहले से मुस्तफा की मेरी दोनों की कह रहे चलो चलो यहाँ पर देखें आयत ईमान और रुखसाना को देखें ये टीवी कैसे देख रहे हैं बच्चे जो ना माशाल्लाह खाना खा रहे हैं और मेरी और सितारा की चाय आ गई है यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से आयत मुस्तफा रुखसार ईमान ये सारे वो ही देख रहे हैं अली और ये देखिए ये नीचे उतरिया आयत ये देखिए मुस्तफा गुड़ खा रहे हैं कैसा है गुड़ मुस्तफा खट्टा है बताओ वो देखिए वो पीछे मर्द नहीं है मर्द के नाम पे कायर है औरतों के ऊपर यहाँ पर ये वाली जो सारी लकड़ियाँ ये मुझे कट करनी है छोटी छोटी जो है ढेरियाँ बनानी है यहाँ पर और बच्चे भी अपनी मस्ती में मगन है मैंने कहा बैठें और मैं ये लकड़ी काट के रख लूँ क्योंकि सुबह जो है शबनम की वजह से ना ये गीली हो जाती हैं और आग नहीं जलती इनसे तो रात को जो है कट करके छोटी छोटी जो है ना इस तरह की वो बना के ना ढेरियाँ बना के चूल्हे पे रख देती हूँ। मेरी अम्मी लकड़ियाँ काट रही है और मैंने एक मैलो की लकड़ियाँ कुछ रखा ही और यहाँ पर जो मेरी अम्मी बना रही है और मैं साथ में अम्मी की हेल्प कर रही हूँ और अभी जो मैं ये लकड़ियाँ रखने जा रही हूँ और आपको वहाँ पर भी दिखाती हूँ लकड़ियाँ कैसे मैं रख रही हूँ।
तो जी ये ओके हो गया। और मैंने यहाँ पर जो ना ये देखिए ये लकड़ी जो है ना मैं खेत के नीचे रख रही हूँ। मम्मा ने कहा कि बारिश आने वाली है दस दिन के लिए ना, तो फाड़ी बारिश आए तो मैंने जो है ना झट से मम्मा को लकड़ियाँ उतार दी है छत से। मम्मा ने कहा कि ना रुखसार मुझे ना छत से लकड़ियाँ उठा ले आओ नीचे, मैं ना वो करती हूँ बना कर रखती हूँ क्योंकि बारिश आएगी ना फिर ना लकड़ियाँ नहीं होंगी, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी नीचे उतारा है। और अभी देखे ये देखी अभी मैं इनकी सफाई करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। और अभी मम्मा बना भी रही है, ये मैंने रखी हुई है, ये वाली भी बना रही है, अभी मैं ये रखने जाती हूँ और मम्मा और भी बना लेगी और अभी मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं चलो आज ना घर में काफी हल्ला गुल्ला है बच्चों का, ये देखे मुस्तफा अली अभी जाना, अम्मी और अबू अभी आए हैं तो अभी जा रहे हैं हम लोग उनके पास। और यहाँ पर भी देखे मुस्तफ़ा को बिरयानी इतनी पसंद आई और अली को दूसरी बार जना घर से लेके आए कि हमें अच्छी लग रही है। और सब जना कार्टून भी देख रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। यहाँ पर अबू भी आ गए हैं। सुनाए अबू सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र बिल्कुल अच्छा रहा। कहाँ कहाँ गए? मुझे माशाल्लाह। पहले गए हाजी जानमन के घर। अच्छा। फिर गए गुलाम जी के घर। फिर गए हाजी नवाज के घर, उसकी नानी के घर जी, सारा की नानी के घर। फिर उसके खाना खाया, उधर चाय पी। फिर गए सारा की खाला के घर। अच्छा। मेरे घर देखो, मेरे घर आओ। घर कैसा था बताओ? माशाल्लाह, सब्जियों की जगह भी नहीं है। अम्मी घर खूबसूरत था। अबू पैसे से ना हर जगह जो ना खूबसूरत हो जाती है। 5-6 करोड़ होगा अबू। उधर से चाचे बच्चे के घर, फिर उधर गए चाचे असलम के घर। आपके जो हमारी सराकी में मसात बोलते हैं, उर्दू में कजन बोलते हैं। फिर गए तेरे मामू के घर। अच्छा। हाँ, मेरे मामा, मेरी अम्मी के जो कजन है वो भी उनके मासी के लड़के है ना। हाँ जी। उन्होंने मैं गाली निकालता ना उसको, आप मेरे पैरों पर गिर गया, मुझे माफ कर दे, ये वो। मैंने मैं जाता नहीं, वो बोलते मैं जाने नहीं दूंगा। अम्मी को पकड़ लिया, चाय पियो, खाना खाओ, रोटी ये फ्रूट। मैंने बोला चाय कैसे, इसलिए फिर वहाँ आके ना मुझे बहुत गुस्सा लगा सितारा देवी माँ पे। क्यों? बोला उस घर से खा के, उस घर के खा पे ये वो जबूदा भाई वो कहीं खाया आपने? नहीं, मैंने इसे कहा कि जब हमने चाय पी ली ना तो वो कहता था मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने खाना नहीं खाया। सही। मैंने बोला नहीं, हमें खाने की गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं थी। सो हम तो कहीं किसी के घर में हमने चाय भी नहीं पी थी। हम देखे तो आपके यहाँ से नाश्ता करके ही आप लोग गए थे चाय पीकर आपके घर पे, चाय हमने पी थी। अच्छा। ऐसे देखे जब महसूस ना करें, महसूस ना करें, हम तो किसी के घर पे नहीं। उसे खुशी हो गई कि भाई हाँ मेरे घर चाय पी उन्होंने। तो मैंने उसको बोला और बाद में अभी देखिए यहाँ पर बन रही है हमारी एकदम गर्मा गर्म चाय आया। और चाय जो आज मैं बना के दे रही हूँ अम्मी और अबू को, क्योंकि आज हमने बनाई थी बिरयानी और अम्मी को भी शुगर है, अबू को भी शुगर है, तो उनको ताज़ी और फ्रेश रोटी और साथ में साग भी दिया। अभी खा रहे हैं खाना, तो अभी जो है ना फिर मैं बना रही हूँ फ़ौरन चाय। जैसे खाना खा कर बैठेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद जो है मैं घर चली जाऊँगी। रोटी भी अभी भी फ्रेश ताज़ी मैंने बना के दी, आटा भी गूंध दिया था फ़ौरन। मैंने कहा थोड़ा सा इस बॉल में आटा गूंदा, इतना मज़े का गूंदा है कि बहुत ज़्यादा। चलो यहाँ पर साग अजमी लाई है अपने खाला के घर से और बहुत मज़े का बना है, तभी मैं भी चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह यहाँ पर हमारी चाय होगी रेडी, ये सितारा की और ये मेरी और ये अम्मी और अबू की शुगर फ्री। और भाई ये वही कप हैं जो मैंने पठान से लिए थे,
ये वही कप है, आपने कहा था आपने दिखाया नहीं सामान, इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी, अभी बिजी है जैसे मेहमान है घर में तो मैं दिखाऊंगी। कप ये हैं, इससे छोटे कप भी हैं, बड़े भी हैं, ये मग हैं, वो कप हैं। तो अभी लेके चलते हैं चाय अंदर। तो आपकी टिकट भी हो गई है ना अब तो, क्यों यहाँ पे ठंड ज्यादा है? नहीं अब कुछ दिन रह गए, फिर चले जाना। टिकट तो अब हो गई ना आपकी 18 तारीख की। एसी अब वो अब बाहर चले सहन में एसी लगे। अभी ईमान आज फिर से जो ना यहाँ पे सो गई है। अच्छा सितारा सुनाओ अब नींद आ रही है? आज पूरा दिन थकी हो पैदल चल चल के, ठीक घूम फिरते रहे हैं। और अब वो आप भी सो रहे हैं अभी? मैं भी सो रहा हूँ। चल ठीक है ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ अभी घर। कल फिर कहाँ जाना है? टूर पे जाना है। चलें फिर लगे रहे हैं बाप। अच्छा अम्मी आप में आपने भी जाना टूर पे? ये मेरे मुझे छोड़ के चलें ठीक है, कल तो इधर हमारे गांव में जाना है ना। हाँ चलें ठीक है, फिर अभी मैं जा रही हूँ। ठीक है अल्लाह हाफिज़। आयत भी अभी सोने की तैयारी में है, अभी जा रहे हैं घर। और बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं है घर जाने का। यहीं पे रुक रही है ना? नहीं सब लोग जा रहे हैं। नहीं नहीं तो गाइस आज का व्लॉग यही पेंड करते हैं, आगे बोलो सही। तो गाइस आज का व्लॉग यही पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करो शेयर करो। हाँ। अगर अच्छी ना लगे तो बिल्कुल भी लाइक कुछ भी नहीं करो। हाँ, कुछ भी नहीं करना, बस कुछ भी नहीं करो, कुछ वीडियो भी नहीं देखो, वीडियो भी नहीं देखो। अभी 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 वीडियो को जो है ना हटा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो बोला था अल्लाह हाफिज़। चलो 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 भाई हम लोग सब जाने घर। अल्लाह हाफिज़। बंद कर दो गेट, चलो बंद करो बंद करो बंद करो। अरे नहीं किया करो। अभी जो ना बारिश हो रही है तो डॉगी जो ना जोर जोर से आवाजें निकाल रहा था, मैंने कहा क्या हुआ? ये देखिए यहाँ पर ना बारिश हो रही है। सबसे पहले डॉगी को निकालते हैं। यहाँ पर देखें इस तरह बारिश हो रही है और कपड़े भी धुले हुए हमारे, कुछ सूख गए वो उतार लेते हैं। और ये रहा डॉगी, ये इसलिए तंग कर रहा था शायद, ये बारिश से डर रहा था। कुछ देर पहले इसे गर्म दूध देके ना बंद कर दिया था, लेकिन ये जोर जोर से चीख रहा था पता नहीं क्यों। और ये तो शुक्र हुआ कि मैंने लकड़ियां भी काट के ना जमा कर ली हैं। अभी यहाँ पर बच्चे जो है ना सो गए, यहाँ पर माहम सोई है और यहाँ पर सोई है रुखसाना, यहाँ पे सोई है दुआ, इसने पाँव निकाल दिए, और यहाँ पे सोई है रुखसार। तो अभी मैं भी सोने लगी हूँ क्योंकि फौजिया भी उधर ही है, फातिमा उधर है, ईमान उधर है, अम्मी अबू और सितारा के साथ बच्चों के साथ। तो अभी आज जो है ना बच्चे नहीं है घर पर, कितने दिनों से आपसे कोई बात नहीं हुई। आज माशाल्लाह सितारा के साथ जो है ना बाहर भी गई हूँ घर में, जैसे थोड़ी बहुत मसरूफियात भी हैं, मेहमान भी हैं घर में। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे आप अम्मा से काम नहीं करवा रहे, आप सितारा से नहीं करवा रहे। तो मुझे आप ये बताएं, वो कुछ दिन के हम के लिए हमारे घर मेहमान हैं, जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं वो साथ हेल्प कर देते हैं, और हमारे घर जो भी मेहमान आता है या ये बड़े हैं हमारे, सितारा ने भी कहा है जैसे रोटी बनाते हैं साथ में, वो कहते हैं कि मैं आपको बनवा लूं या इस तरह का। तो हमने कहा नहीं, आप ऐसे जब जितने दिन आपने यहाँ रहना है हमने आपको कुछ नहीं करने देना, जब आप अपने घर चले जाएं फिर काम करना, क्योंकि हम चाहते हैं उसे कुछ दिन रेस्ट दें। जैसे होता है कि हाँ भाई मायके आई, उसे पता चले कि हाँ मैं मायके आई हूँ। और अम्मी अम्मी तो आपको पता है बुजुर्ग हैं, अपनी अम्मियों से कौन काम करवाता है, तो वो भी आराम करे। अभी 4-5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जैसे यहाँ से चले जाएंगे अहमदपुर, या तो ये दिन वापस नहीं आएंगे। हमारी जो फैमिली है ना उसमें अभी खुशियाँ आई हैं इतनी जो है ना, जैसे पता नहीं हल पूरी दुनिया में कयामत मचा के रखी थी जो भी हुआ, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम अब वो चीज़ें नहीं दोहराना चाहते। तो आप भी इस तरह की जो है ना बातें ना करें, क्योंकि हम बड़े की इज्जत करना जानते हैं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, कैसे एहतराम किया जाता है, और छोटों से कैसे प्यार किया जाता है, ये सब हमें भी पता है। तो हमारे बच्चे भी अम्मा अबू फुफो फुफो करते बच्चों के साथ इस तरह सबसे ऐसे घुल मिल गए हैं कि हमारी फैमिली अब माशाल्लाह एक हो गई है।
तो हम नहीं चाहते कि आप इस तरह के कमेंट करें या हमें इस तरह की राय दें। मेरे ख्याल से आप अपने माँ से काम करवाती होंगी, सास से काम करवाती होंगी, या आपके घर जो भी आता होगा आप काम करवाती होंगी। तो ऐसी हमारे घर में कोई बात नहीं है कि हम कुछ दिन के लिए आए हैं। वैसे वो कितना कहती है इस तरह की, जब आप खाना बना रहे हो तो भाभी मैं चलूं, मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए हम लोग फौरन से खाना घर में बना के वहां ले जाते हैं। अगर यहाँ पे खाना खाएं या कुछ तो वो कहती है साथ में मिलके, उस दिन जैसे बच्चों के साथ मिलके कह रहने लगी कि मैं बर्तन धुलवा लूं, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो मुझे पता ही नहीं चला वो बर्तन धुलवा रही थी बच्चियों के साथ। तो ये बातें नहीं है भी, हमारी आपस की फैमिली हमारे अंदर जो भी है जैसा भी, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड की वो बहन है, अम्मी हैं और मेरी सास हैं। तो आप इस तरह के गलत कमेंट ना करें। और बच्चे माशाल्लाह इतने खुश हैं हमारे, बड़े भी खुश हैं और बच्चे भी। और ये सब जो है ना आप YouTube फैमिली की दुआएं, हमारे बुजुर्गों की दुआएं, अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर करम किया है। तो भी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और हमें दीजिए इजाज़त अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ। और अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।